मेथी के पत्ता को अच्छी तरह से डंठल से अलग कर दिए हैं, इसको दो तीन पानी से धो दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मेथी मठरी बनाना। उसके लिए पैन चढ़ा लेंगे, पैन गरम हो गया है, इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून घी। घी गरम हो गया है, इसमें डालेंगे मेथी का पत्ता डालेंगे एक बार के लिए, और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। 3 मिनट इसको भूनना है, ज्यादा नहीं, 2 मिनट हो गया भुने हुए। अब गैस को ऑफ कर देंगे। एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, इसमें 400 ग्राम के लगभग मैदा डाल दिए हैं। डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टेबल स्पून अजवाइन, इसको हाथ से खस करके डाल देंगे। ये भुना हुआ मेथी पत्ता इसको डाल देंगे, इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो तैयार कर लेंगे। एक अच्छा सा डो तैयार हो गया है, उसको ऊपर से डाल देंगे। मुलायम डो बन के तैयार हो गया है। इसको बराबर बराबर भागों में बराबर डोई तोड़ लेंगे। बराबर बराबर भाग में आटा गोल गोल बना लिए हैं, उसको साइड में रखेंगे। 2 टेबल स्पून मैदा लिए हैं, उसमें डालेंगे घी। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब एक एक करके इसको बेलेंगे रोटी के आकार में। रोटी को ज्यादा पतला नहीं करना है, इतना ही मोटा रखना। इसी तरह से सारा बेल के तैयार कर लेंगे। सारा रोटी बेल के तैयार कर लिए हैं, अब इसको कोक की मदद से इस तरह से कर देंगे। ये जो बैटर हमने तैयार करके रखा है उसको इसमें ऊपर से लगा देंगे चारों तरफ से। अच्छा, अब इसके ऊपर से दूसरे चपाती को डाल देंगे इस तरह से। फिर इसको भी इस तरह से कर देंगे, ऊपर में भी इस तरह से चारों तरफ से फैला के लगा देंगे इस तरह से। इसके ऊपर से लगा के बाद इसको होल्ड कर देंगे इस तरह से। अब इसको बराबर बराबर भागों में काट लेंगे इस तरह से, जैसे सारा काट लेंगे। उसके बाद गुलगुल बेल लेंगे, इस तरह से बेल के सारा तैयार कर लेंगे। सारा बना के रेडी कर लिए हैं। तलने के लिए तेल पहले से ही गरम होने डाल दिए थे, तेल गरम हो गया है। अब इसमें डालेंगे एक एक करके, इसको दूसरी तरफ पलट देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तल लेंगे। ग्रीन ब्राउन हो गया है और इसको निकाल लेंगे, बचा हुआ को भी डाल के तल लेंगे। बन के रेडी हो गया मेथी मठरी। इसको एयर टाइट कंटेनर में 3 महीना तक स्टोर करके इसको आराम से खा सकते हैं। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।